चलो भैया बस कर दे भाई जरा गो लाइव। खाता को क्या था वैसे? साइनोबैक्टीरिया में खाता हो गया था। सेकंड स्लाइड का टॉपिक ही बता दो ना, क्लास वो तो हो गया इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई थी, सेल की स्ट्रक्चर चलेगी, सेल की स्ट्रक्चर। ये हो गया था ना, अब स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर बैक्टीरिया जैसी है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है इसमें कि सबसे पहले, भैया सुन ले बात को, सबसे पहले साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के ऊपर सेल मेम्ब्रेन जो सेम होगी, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेलवाल, और सेलवाल के ऊपर सबसे ऊपर की तरफ जो कलर्ड पोर्शन दिखाई देगा म्यूकुलेजिनस वॉल या म्यूकुलेजिनस शीट। अंदर की तरफ न्यूक्लियोइड सेम है, राइबोसोम सेम है, बस दो अंतर इसमें हो सकते हैं कि एक तो इसमें गैस वैक्यूल हो सकते हैं कभी कभी, और दूसरा इसमें जो मेम्ब्रेन है थैलेकॉइड उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे। क्योंकि अगर बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते भी हैं तो वो थैलेकॉइड के अंदर नहीं होते बल्कि साइटोप्लाज्म में ग्रुप में बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं क्रोमेटोफोर। एनसीईआरटी इनके लिए भी वर्ड वही लगाती है क्रोमेटोफोर, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि यहां पर जो पिगमेंट्स होंगे वो थैलेकॉइड के अंदर होंगे, यानी कि एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के रूप में होंगे। बाकी सारा सिंपल है, वही बैक्टीरिया की पहले साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के ऊपर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेलवाल, सेलवाल के ऊपर म्यूक्लोजिनस शीट। अंदर की तरफ न्यूक्लियोइड सेम, राइबोसोम सेम, बस अंतर क्या आता है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जैसी स्ट्रक्चर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है और थैलेकॉइड के अंदर क्या डेवलप हो जाते हैं, पिगमेंट्स। लेकिन बैक्टीरिया में अगर पिगमेंट होंगे तो बिखरे हुए होंगे और कभी कभी इसमें गैस वैक्यूल भी हो सकती है। सेम है बिल्कुल वही कि वही पहले साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के ऊपर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेलवाल जो दो भागों में है, उसके ऊपर म्यूक्लेजिनस शीट। कभी कभी किसी किसी किताबों में लिखा मिलता है कि बाहर वाला साइटोप्लाज्म अलग और अंदर वाला अलग, लेकिन उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। ये अल्फा और बीटा ग्रेन्यूल्स के रूप में रिजर्व फूड, बाकी ये थैलेकॉइड, थैलेकॉइड के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। स्ट्रक्चर में सिमिलर टू ग्राम निगेटिव होती है, म्यूक्लोजिनस शीट प्रेजेंट होती है जो सबसे ऊपर हो, उसके नीचे सेलवाल, सेलवाल के नीचे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के नीचे शीत। म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनी होती है, पैक्टिक एसिड से। सेलवाल बाइलेयर्ड होती है, बाहर वाली और अंदर वाली। आउटर वाल लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, जबकि इनर वाल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। इनर सेल वाल जो सेल मेम्ब्रेन जो है वही हमारी तरह लिपोप्रोटीनियस होती है, काम भी सेम है। साइटोप्लाज्म बेसिकली जो स्ट्रक्चर रखता है पहले ये थैलेकॉइड या क्रोमेटोफोर, क्योंकि एनसीईआरटी क्रोमेटोफोर कहती है इसलिए लिखा हुआ है इसमें। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेनिंग होते हैं। इंक्लूजन बॉडी अल्फा और बीटा ग्रेन्यूल्स के रूप में होती है, ये
साइनोफिसियन स्टार्च से बने होते हैं जो ग्लाइकोजन जैसा होता है, और ये फूड को अल्फा ग्रेन्यूल्स के रूप में स्टोर करते हैं। बीटा ग्रेन्यूल्स फैट के ड्रॉपलेट से बना होता है, कभी कभी गैस वैक्यूल भी नजर आती है। इन्हें गैस वैक्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गैस के लिए परमिएबल होती है, बायोन्सी में हेल्प करती है। न्यूक्लियोइड डबल स्टैंडर्ड, वही सर्कुलर नेकेड जेनेटिक मटेरियल विदाउट स्टोन प्रोटीन जैसे बैक्टीरिया में था। राइबोसोम सेम वही 70S टाइप का। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको आगे भी दिखाई देगा। कहां पर? जहां पर आप प्लांट फिजियोलॉजी में देखोगे। तो कुछ नाइट्रोजन जो साइनोबैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। तो ये क्या काम करेंगे कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेरिक, इसको नाइट्रोजीनस कंपाउंड में कन्वर्ट। कल भी आया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, कि कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स। अब ये नाइट्रेट्स जो बनते हैं जब, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, और ये दो फॉर्म में करते हैं, सिम्बायोटिक फॉर्म में और एसिम्बायोटिक में, यानी कि फ्री लिविंग फॉर्म यानी कि एसिम्बायोटिक, और सिम्बायोटिक का मतलब होता है जो किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। एनाबीना नॉस्टॉक इसके एग्जांपल है, ये दोनों फॉर्म में कर सकते हैं, एनाबीना नॉस्टॉक भी होता है, लेकिन ओलोसीरिया जो होता है वो भी फ्री लिविंग फॉर्म में करता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे लीव्स ऑफ अजोला में, कोलोलॉइड रूट ऑफ साइकस में, एंथोसिरोस के थैलस में भी होते हैं। अजोला को अगर अब अजोला कभी सुना वर्ड अजोला कौन से ग्रुप का मेंबर है? भाई क्या चीज नहीं, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, क्या है ये? वाटर फर्न है ये, टेरिडोफाइट है ये, सबसे छोटा टेरिडोफाइट भी है ये। और इसके साथ एनाबीना नॉस्टॉक प्रेजेंट होते हैं, और अगर इसको राइस के साथ ग्रो कराया जाता है तो ये 50% तक यील्ड बढ़ा देता है। यील्ड तो समझते ना, उत्पादन, ठीक बात। तो एजोला राइस के साथ ग्रो कर सकता है क्योंकि इसमें नॉस्टॉक एनाबीना प्रेजेंट होते हैं, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, जिससे राइस का प्रोडक्शन 1.5 गुना हो सकता है। ओलोसिरा पैडी फील्ड्स में पाया जाता है, पैडी समझते हो, राइस, ओराइजा सैटिवा, और पैडी फील्ड में जर्मिनेट होता है वाटर में, और ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिससे राइस का प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है। ऑसिलेटोरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है पैडी फील्ड में। अब पैडी फील्ड जब आया है तो बात याद रखनी है आपको कि पैडी फील्ड से CH4 भी निकलती है, CH4 कैटल यार्ड से भी निकलती है, CH4 कैटल्स के रूमिनेंट से भी निकलती है। CH4 एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है, राइस के फील्ड से भी निकलती है CH4, कैटल यार्ड से भी निकलती है, यानी कि जहां पर भैंस गाय बनती है, और प्लस भैंसों के जो रूमिनेंट यानी जो कैटल का रूमिनेंट होता है वहां पर भी निकलती है। इसलिए अगर देर में वेंटिलेशन बहुत अच्छा ना हो तो बहुत मुश्किल रहता है रुकना वहां पर, क्योंकि वहां पर CH4 भी निकलती है CO2 के साथ साथ, CO2 तो होगी होगी अब रेस्पिरेशन होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब एक कभी कभी पूछता है हेटरोसिस क्या होता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की पहली शर्त O2 प्रूफ सेल्स होनी। नाइट्रोजन फिक्सेशन कब होगा? जब O2 प्रूफ सेल होंगी, अर्थात जिनमें ऑक्सीजन नहीं होगी, क्योंकि ये जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं कर पाते। और इस शर्त को पूरा करने के लिए इनके फिलामेंट में कुछ सेल्स थिक वॉल्ड हो जाती हैं, नॉर्मल सेल से ज्यादा
थिक वॉल हो जाती है, O2 प्रूफ हो जाती है, और ये सेल्स हेटरोसिस कहलाती हैं, और ये सेल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। चारों बात समझ में आ गई? क्यों हुआ, कैसे हुआ? नाइट्रोजन फिक्सेशन डिटेल हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो पहली बात इसका मतलब क्या समझ में आई कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सेल O2 प्रूफ होनी चाहिए, क्योंकि O2 की प्रेजेंस में जो एंजाइम होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, बेकार हो जाता है, वेस्ट हो जाएगा, होते हुए भी नहीं काम हो पाएगा। दूसरी बात, O2 प्रूफ करने के लिए कुछ सेल्स जो जाएंगी वो कैसे जाएंगी, थिक वॉल, अपनी वॉल थिक कर लेंगे, O2 प्रूफ हो जाएंगी और नाइट्रोजन काम कर पाएगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाएगा। इन थिक वॉल सेल्स को क्या बोलते हैं? अब चूंकि O2 प्रूफ हो गई है तो ये नॉन ग्रीन भी होंगी। नॉन ग्रीन का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी, आसपास की सेल से काम चलाएगी। तो ये क्या कहलाती है? हेटेरोसिस। तो हेटेरोसिस का संबंध किससे है? नाइट्रोजन फिक्सेशन से। दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव और इसका मतलब अभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं आया, ठीक है? मास वास लगा ले रहे हैं आप, ठीक है? बहुत दिन हो गए बगैर मास के आ रहे हैं, हम भी डाल दे रहे, ठीक है? अब बीजीए रिप्रोडक्शन करता है वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मेथड से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वही सबसे कॉमन प्रकार का रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन कहीं पर ही आएगा। सेल्स दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, पहले जेनेटिक मेटेरियल डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, इस पूरे नाम में डिवाइड होकर दो बना देती है। फ्रेगमेंटेशन कहीं पर भी आए, पूरी बॉडी दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में टूट जाएगी और ईच पार्ट नया ऑर्गेनिज्म। बॉडी में वही होता है कि एक अवरोध बाहर निकलेगी, अवरोध को बड कहते हैं, बड के अंदर जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म पहुंचेगा, बड अलग हो जाएगी, अलग होकर नया ऑर्गेनिज्म बनेगी। कहीं पर भी आए उसका तरीका वही है, उसको ना रखना है, समझना है, सही बात समझने के तीन स्टेप में वो कंप्लीट होगा। ऐसी बाइनरी फिशन में कि पहले उसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर वो दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन भी सेम है, अगर ये कोई बॉडी है तो ये एक दो तीन चार भाग में टूट गया और हर पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसको भी कुछ नहीं समझ आया। अब इसमें बस एक बात समझ में आनी है कि जो इसका जो फ्रेगमेंट होता है उसके बीच बीच में यहाँ पर थिक वॉल सेल्स बन जाती हैं और इनको बोलते हैं सेपरेशन डिस्क। अब इस सेपरेशन डिस्क के बीच का जो स्टेप होता है, ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं होमोगोनियम। और जब यहां से अलग होगा तो ये वाला पार्ट जो भी अलग अलग होंगे वो नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। बस इसमें यही बात करनी है, फ्रेगमेंटेशन सब जैसा ही है, बस अंतर क्या रखना है यार कि जो जितना पार्ट बचेगा दो सेपरेशन डिस्क के बीच में उसको हम होमोगोनियम बोलते हैं। बाकी वही है कि ये वाला पार्ट भी नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ऊपर वाला पार्ट भी, नीचे वाला पार्ट भी, जो भी जितने भी पार्ट्स बनेंगे हर पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, लेकिन बस इसमें जो दो सेपरेशन डिस्क के बीच में पार्ट बचेगा उसको हार्मोगोनिया या प्लूरल हार्मोगोनिया या अकेला हार्मोगोनियम कहते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने के लिए बनता है। एकाइमीट्स कभी भी हो, कहीं पर भी आ जाए, थिक वॉल्ड स्पोर्स आर कॉल्ड एकाइमीट्स। थिक वॉल्ड स्पोर्स आर कॉल्ड एकाइमीट्स। जैसे जब मोटाइल स्पोर्स है, मोस्टली वो जूस स्पोर्स होते हैं, सेम स्पोर्स बस मोटाइल नहीं होते तो एप्लेनो स्पोर्स होते हैं। हाँ जी, अब वाटर ब्लूम कल भी बताया गया था मैंने कि जब भी पानी के अंदर नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी पॉल्यूशन के कारण, तो नाइट्रेट और फास्फेट एन और पी फास्फेट भी होता है। नाइट्रेट और फास्फेट जब भी ज्यादा हो जाएंगे तो वो ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करते हैं, अर्थात उनकी प्रेजेंस में एलगी की या ब्लू ग्रीन एलगी टाइप के ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ज्यादा होती है। और इस एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एलगी एंड ब्लू ग्रीन एलगी या एलगी और ब्लू ग्रीन एलगी इज कॉल्ड वाटर ब्लूम और एल्गल ब्लूम। नुकसान क्या होते हैं कि सारी ऑक्सीजन खुद यूज कर लेते हैं
और कुछ ऐसे भी होते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस में सीक्रेट करते हैं जिससे अदर फिश और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मरने लगते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फर्टिलिटी देता है ये किसको, एल्केलाइन सॉइल्स को और ऊजर सॉइल को। ऊजर कौन सी होती है, बंजर। जो बेस्ट पीएच है वो कितना होता है सॉइल के लिए, 5.5 से 6.5 के आसपास, यानी कि 7 के आसपास का जो एरिया है वो सब क्या होता है, बेस्ट पीएच होती है। अगर वो 7 से ज्यादा होगी तो भी फर्टाइल नहीं होगी, और जो बहुत ज्यादा एसिडिक होगी वो भी ज्यादा फर्टाइल नहीं होगी। तो अगर वो एल्केलाइन सॉइल है तो वो कुछ एसिडिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी उसमें, और वो एसिडिक सब्सटेंस उसकी एल्केलिनिटी को या बेसिसिटी को कम कर देंगे। तो एक ही तरीका है, अगर बेसिक है तो एसिड डाल दो, एसिडिक है तो बेसिक डाल दो, ऑब्वियस बात है उसको ठीक करने के लिए। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रीन मैन्योर के रूप में काम करते हैं, अर्थात फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं, हरी खाद की तरह काम करते हैं। कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो लार्वा की ग्रोथ को रोक देते हैं, लार्वा की ग्रोथ को मार देते हैं मॉस्किटो की। अब जब मॉस्किटो मर गए तो हमारे लिए फायदेमंद की बात है। हार्मफुल में ब्लू ग्रीन एल्गी वाटर ब्लूम करते हैं, ऑक्सीजन सारी यूज कर लेते हैं, प्लस टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट कर लेते हैं जिससे अदर फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स मरने लगते हैं, ऑर्गेनिज्म मरने लगते हैं पानी की ऑक्सीजन की कमी से भी, और टॉक्सिक भी सिक्रीट कर देते हैं। माइकोप्लाज्मा, इसमें से भी अक्सर एक आध क्वेश्चन पूछ लेता, बड़ा अच्छा इसमें से और आसान, सबसे आसान टॉपिकों में से एक टॉपिक है। माइकोप्लाज्मा को दो फ्रेंच साइंटिस्ट ई नोकॉर्ड और आर रॉक्स ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, स्टडी किया था प्लूरल फ्लूड ऑफ कैटल्स में जो सफर करते थे प्लूरो निमोनिया डिजीज से, यानी कि प्लूरो निमोनिया डिजीज का जो फ्लूड था, जो डिजीज के बाद उसमें फ्लूड था, उसके अंदर इन्होंने स्टडी किया और डिस्कवर्ड किया इन्हें, और पहले इसको बोलते थे PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, फिर इनको माइकोप्लाज्मा कहा गया, और उसके बाद अब इनको मॉलिक्यूल्स भी कह देते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीज, क्योंकि इनके ऊपर सलवाल नहीं होती है, सलवाल नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है याद रखना, दिमाग में चाहे 50 बार बोल लेना, सलवाल सभी प्रोकैरियोट्स में मोस्टली प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, यही से वो क्वेश्चन पूछेगा बार बार। तो माइकोप्लाज्मा में सलवाल नहीं होती, इसलिए इनकी सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका मतलब ये सॉफ्ट होंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, इलास्टिक, और सलवाल कैसी होती है, रिजिड। अब नोवाक ने इनको जीनस माइकोप्लाज्मा में रखा, और डॉ इटाल ने इसका समझते हो, ईटी ऑल एटाल, इसका मीनिंग समझते हो, नहीं, इसका मतलब है ऑल कोलैबोरेटर्स, अन्य सभी सहयोगी, एटाल बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। उन्होंने एस्टर येलो डिजीज ऑफ प्लांट्स में ये डिस्कवर किया कि वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाली डिजीज है। डॉ एटाल ने उनको प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म कहा, यानी कि माइको प्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म कहा, और डाउ ने बताया कि फ्लोएम सेल, सीव ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होती है ज्यादा अफेक्टेड होती है इस डिजीज से। माइकोप्लाज्मा सिंगल सेल्ड होंगे और सबसे छोटे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म है, इनके ऊपर सेलवाल एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन इनकी ट्राइलेयर्ड होती है जैसा सबकी होती है, मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, और डीएनए कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर और नेकेड, दैट इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, सेम क्योंकि प्रोकैरियोट्स है, बार बार समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें आरएनए भी प्रेजेंट होता है, और इनमें सेलवाल नहीं होती, इसलिए पॉलीमॉर्फ प्लियोमॉर्फिज्म शो करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर शो करते हैं। इनको बहुत सारे नामों से आता है, जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि जोकर जैसे शेप चेंज करते हैं, ये शेप चेंज कर सकते हैं। ऑस्मोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें सबसे मेन प्रकार का न्यूट्रिशन है, यानी कि सैप्रोबिक टाइप का न्यूट्रिशन, एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के हो जाना डीपीएम की सहायता से। इनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, तो जब वो बाहर से चीज आ रही है तो डायरेक्ट किससे आ रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो इसलिए इसको बोल देते हैं ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब सैप्रोबिक टाइप के ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। ये एंटीबायोटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं,
क्यों? क्योंकि ये सेलवाल को डिस्ट्रॉय करती है, जब इसमें सेलवाल है ही नहीं तो ये इसको डिस्ट्रॉय नहीं करती। अलग अलग एंटीबॉडीज का फंक्शन अलग अलग होता है। मारने तो सबको काम ही है, कोई सेलवाल को डिस्ट्रॉय कर देती है, कोई प्रोटीन सिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करती है, कोई किसी और चीज को इन्फ्लुएंस, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करती है। तो अलग अलग एंटीबायोटिक अलग अलग तरीके से डिस्ट्रॉय करती है। तो पेनिसिलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो सेलवाल को डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन इसमें सेलवाल है नहीं तो इसको तो डिस्ट्रॉय कर नहीं पाएगी, इसका मतलब इसके प्रति रेजिस्टेंट होगा, लेकिन जितने भी सेलवाल वाले बैक्टीरिया होंगे उन सबको मार देगी। ये टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोएम्फिनिकॉल के प्रति सेंसिटिव होते हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, इसलिए ये इसको मार देंगे। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो होती है वो फैकल्टेटिव एनएरोब होती हैं, मतलब होती तो वो कैसी हैं? एरोबिक। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो यही से क्वेश्चन पूछता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो फैकल्टेटिव एनएरोब होता है या एरोबिक होता है, सेलवाल जिसमें एब्सेंट होती है, और प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज कर सकता है, वो कहलाता है माइकोप्लाज्मा। समझना है बात, वो कहना क्या चाह रहा है बस। वैसे तो अब एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन एनसीईआरटी को समझने के लिए इसको समझना पड़ता है। स्पीशीज जो है माइक्रोप्लाज्मा की, या तो सैप्रोफाइट्स होंगी यानी कि सैप्रोबिक होंगी, या फैकल्टेटिव पैरासाइट होंगी मोस्टली। रिप्रोडक्शन वही बाइनरी फिशन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इसकी वो ये वाली है, कि उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एलिमेंट्री बॉडीज या प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं। ये डिजीज आपको केवल एक बार पढ़नी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर वो डिजीज एनसीईआरटी में कहीं लिखी हुई है तो वो पूछ सकता है कि ये डिजीज किससे होती है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पोर्शन यही होता है, क्योंकि वायरस की डिजीज भी आपको देखनी, माइकोप्लाज्मा की भी देखनी, बैक्टीरिया की भी देखनी, प्लेटीहेलमिंथीज की भी देखनी, एसके हेलमिंथीज की भी देखनी, प्रोटोजोआ की भी देखनी, फंजाई की भी देखनी। तो दसियों प्रकार के ऑर्गेनिज्म है जिनकी डिजीज हमको देखनी होती है, पढ़नी होती है, समझनी होती है। तो जो एनसीईआरटी में अगर कहीं पर भी लिखी है वो तो बिल्कुल ही नहीं छोड़नी, लेकिन बाकी इन सबको दो दो चार चार बार पढ़ लेना है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि वो डिजीज कभी हमने माइकोप्लाज्मा में पढ़ी थी। जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ पपाया, विच ब्रूम ऑफ ग्राउंड नट, और एस्टर येलो डिजीज ऑफ सनफ्लावर। प्लांट्स में माइकोप्लाज्मा डिजीज यूजुअली ट्रांसमिट होती है लीफ होपर्स के द्वारा। जैसे ग्रास होपर होता है, ऐसे क्या होते हैं? लीफ होपर्स। यानी कि क्या है ये? ऑर्थोपोड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। आर्कियोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर एक क्वेश्चन वो पूछता है। आर्कियोबैक्टीरिया इवोल्यूशनरी ये सबसे प्रिमिटिव हैं, इसका मतलब ये सबसे पहले बने होंगे। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? लेस डेवलप्ड है या फर्स्ट, सबसे पहले बने। दे वर द फर्स्ट टू बोर्न ऑन आर प्लेनेट, हमारे अर्थ प्लेनेट, अर्थ पर जो बनने वाले पहले ऑर्गेनिज्म थे वो थे आर्कियोबैक्टीरिया। Nowadays, आज भी ये अपने प्रिमिटिव करेक्टर्स के साथ पाए जाते हैं, और therefore they are called oldest living fossils. Living fossil एक ऐसा member होता है, एक ऐसी species होती है, एक ऐसा organism होता है जिसके most of the relatives अब extinct हो चुके हैं, और वो अकेला करोड़ों साल से आज भी without change या बहुत माइनर चेंजेस के साथ पाया जाता है। जैसे जिंगगो बिलोबा, साइकस, स्फिनोडॉन, लिविंग क्रैब, ये सब क्या है? लिविंग फॉसिल्स है। अब ये जो है इसके साथ के सारे रिलेटिव्स अब नहीं पाए जाते, इसका मतलब जो इस जैसे ऑर्गेनिज्म बने थे इस अर्थ पर वो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन ये आज भी मिलियंस ऑफ ईयर्स से विदाउट चेंज के एज इट इज बरकरार है। और चूंकि सबसे पुराने टाइप के ऑर्गेनिज्म है जो पहले बने थे इस अर्थ पर, इसलिए इनको बोलते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। अगर ये पुराने ना होते तो सिंपल क्या लिख देते? लिविंग फॉसिल। लेकिन चूंकि सबसे पहले बने वाले ऑर्गेनिज्म में से है अर्थ पर, इसलिए इसको बोलते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। और ये मोस्टली क्या होते हैं? ऑब्लीगेट एनएरोबिक।
अर्थात ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही सरवाइव करेंगे, ऑक्सीजन इनके लिए पॉइजन हो जाएगी। थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम इसके एग्जाम्पल हैं आर्कियोबैक्टीरिया के, और इनमें प्रोटीन होमोलोगस होती है यूकैरियोटिक हिस्टोन प्रोटीन के जैसी। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि वास्तव में क्या है प्रोकैरियोट्स, लेकिन इसकी प्रोटीन किसके जैसी है, यूकैरियोट्स के हिस्टोन के कोर जैसी। सेलवाल, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसके सेलवाल में और सेल मेम्ब्रेन में दिखाई देंगे। इसको समझना थोड़ा धीमे ही पढ़ाऊंगा। इसको सेलवाल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी नहीं होती है। नॉर्मली हमने क्या कहा, प्रोकैरियोट्स में किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन या मुराइन की, या म्यूकोपेप्टाइड, लेकिन इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी है। इसका मतलब इसकी सेलवाल स्पेशल है। आगे बढ़े, सेल मेम्ब्रेन भी यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी कि हमारे से डिफरेंट है। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में दो चीज समान होती है, क्या, सेल मेम्ब्रेन और जेनेटिक कोड। लेकिन यहां पर और फिर उल्टा हो गया मामला, क्या कि ये कह रहा है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूनिट मेम्ब्रेन होती है, इसकी यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है। मतलब क्या है कि यू बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन होती है, हमारे जैसी होती है, लेकिन इसमें ऐसी नहीं है। हमारे में कैसी थी कि जो सेलवाल है उसमें लिपिड कैसे थे, बाई लेयर लिपिड थी, कैसे थे वो, लीनियर। लीनियर है ना, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल। लेकिन सेल मेम्ब्रेन आर्कियोबैक्टीरिया की हाईली कॉम्प्लेक्स होती है बिकॉज ऑफ द ब्रांच्ड लिपिड चेन। इसमें जो लिपिड पाया जाता है वो कैसा होगा, ब्रांच्ड, जो इसको एक्स्ट्रा एफर्ट देता है, इसको एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंस देता है, इसको हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। तो उसकी सेलवाल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही स्पेशल होती है, इसीलिए ये हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। हार्श तो समझते ना, बहुत मतलब टफ कंडीशंस में, जैसे अर्थ पर जब अर्थ बनी थी पहली बार तो वहां पर हार्श कंडीशन थी वैसी। ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स सेलवाल एंड सेल मेम्ब्रेन आर्कियोबैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं हार्श से हार्श हैबिटेट में। स्ट्रक्चर लगभग सेम बैक्टीरिया होती, कोई विशेष अंतर नहीं होता। अंतर कहां प्रेजेंट होगा, उसके बनने में है, वही साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेलवाल। लेकिन सेलवाल भी अलग तरीके की बनी है और सेल मेम्ब्रेन भी थोड़ी सी डिफरेंट है बैक्टीरिया से। डायग्राम में आपको कोई विशेष अंतर नजर नहीं आएगा। अब आर्कियोबैक्टीरिया को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया था, मिथेनोजेन, एसिडोफिल्स, हेलोफाइल्स। अब मिथेनोजेंस का मतलब होता है मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, यानी कि ये मिथेन बनाएंगे, मिथेन प्रोड्यूस करेंगे, और ये कहां पाए जाएंगे, मार्शी, MARSHY है ये, मार्शी एरिया में और गोबर गैस फर्मेंटर में, और ये मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। मार्श और स्वैम्प दो जगह होती हैं, पता किसी को, मार्श और स्वैम्प, SWAMP स्वैम्प और MARSH मार्श। कीचड़ और दलदल में कोई अंतर, नहीं नहीं, मार्श गैस तो इसलिए कह रहे हैं कि वो मार्श में पाई जाती है, है नहीं भाई। लेकिन मेन अंतर क्या है, है भाई कोई डिफरेंस किसने पढ़ा हो कभी, और कोई,
चलो भैया कोई बात नहीं। वेटलैंड सुना कभी वर्ड? वेटलैंड, WET वेट, वेट माने गीला, लैंड माने जमीन, गीली जमीन। तो वेटलैंड क्या होता है? एक ऐसा एरिया जो मोस्टली वाटर से प्रेजेंट, यानी कि उसमें वाटर अक्सर प्रेजेंट होता है, चाहे वो सी के पास हो, चाहे वो किसी वाटर बॉडी, फ्रेश वाटर बॉडी के पास हो, चाहे वो विदाउट वाटर बॉडी के पास हो, मतलब उसमें अक्सर आपको पानी नजर आएगा। तो जब किसी वेटलैंड में ट्रीज ज्यादा होते हैं उसे हम बोलते हैं स्वैम्प, और जब उसके अंदर ग्रासेस ज्यादा होती है, ट्रीज कम होते हैं, तब उसे बोलते हैं मार्श। दोनों वेटलैंड है, अंतर बस केवल ट्रीज का और ट्रीज के ना होने का है। जब ट्रीज, यानी कि ट्रीज डोमिनेटिंग वेटलैंड और ग्रास डोमिनेटिंग वेटलैंड मार्श। ठीक बात, बात समझ में आ गई सबकी? याली ट्रीज डोमिनेटिंग वेटलैंड्स इज इक्वल टू स्वैम्प या स्वैम्पी एरिया, और हर्बीशियस प्लांट डोमिनेटेड वार्षिक, जहां पर हर्ब ज्यादा होंगी, मतलब ग्रास जैसे। हर्ब का मतलब क्या होता है? छोटा स्टेम टाइप, पतला स्टेम, कमजोर। हर्बीश, यानी कि आप इसे ले सकते हो हर्बीशियस वेटलैंड, जिसमें हर्बीशियस प्लांट्स डोमिनेट करते हैं। है जी भैया, बात आ गई समझ में? मैं तो कहां गया। आगे बढ़े। अब ये मीथेन प्रोड्यूस करने वाले आर्कियोबैक्टीरिया कहां पाए जाएंगे? गोबर गैस प्लांट में और मार्शी एरिया में। वहां नहीं मिलते, मार्शी एरिया में नहीं होते। कहां पर नहीं होती ग्रास? मार्श में नहीं मिल सकते ये, मार्शी एरिया में। इतने बड़े कहां है मैडम? ये तो बहुत छोटे हैं, दिखने के भी नहीं है। अगर ये लैंड पर है, उसमें पानी में है अगर वहां पर, तो वहां पर दिखने के भी नहीं है तुम्हें। भाई बैक्टीरिया कुछ हमारी बॉडी के अंदर है या ऊपर है, दिख थोड़ी रहा है। ये थोड़ी इसमें बैक्टीरिया नहीं है, बैठा हुआ है बैठा, और बहुत सारे हैं, और अब अंदर जा रहे हैं भागे भागे। जैसे मुंह खोलोगे तो कहो मास्क लगा लो, बैक्टीरिया तो भागे भागे जा रहे हैं अंदर। ओमनी प्रेजेंट है, इन्हें बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट माइक्रोब्स। बेसिकली क्या होते हैं? ओमनी प्रेजेंट या यूबिक्यूटस, मतलब ईच एंड एवरी हैबिटेट वेयर द लाइफ इज पॉसिबल, वहां पर वो पाए जाते हैं। आप कुछ बात समझ में आई? दोबारा बताऊं कुछ? वो दिखने के नहीं, ये होंगे वहां पर, मार्शी एरिया में भी और गोबर गैस फर्मेंटर में। और एक आर्कियो बैक्टीरिया जिसका नाम है रुमेनोकोकस। अब इसका नाम भी देखो, बैठना नहीं है। कोकस का मतलब क्या बताया था? गोल गोल सा। इसका मतलब इसकी शेप कैसी है? गोल है। अब लेकिन चूंकि ये रूमन में पाया जा रहा है, अब रूमन क्या होता है? स्टमक का एक चैम्बर होता है, या एक चार चैम्बर जो स्टमक पाया था कैटल्स में, उसमें से एक पार्ट होता है। तो ये रूमन में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रूमनो। और चूंकि ये गोल है, कोकस जैसा है, तो इसलिए रूमेनोकोकस। तो इसमें रटने वाली बात कहां से आ गई? समझना है कि ये रूमेनोकोकस कहां प्रेजेंट होता है, और सारे सैप्रोफिटिक होते हैं और ये सिम्बायोटिक होता है। क्यों सिम्बायोटिक है? ये वहां पर फर्मेंटेशन करता है सेलुलोज का,
और जो खाना है उसको खाने में हेल्प कराता है। फर्मेंटेशन क्या होता है? गुड क्वेश्चन। किण्वन कहते हैं बेटे हिंदी में, किण्वन। हाँ जो भी आप आगे बढ़ो कुछ यार ये बताना है। चलो चलो, बेसिकली C2H5OH प्लस 2CO2 फ्रॉम ग्लूकोज है जी भैया। अब खैर आगे बढ़ो, दूसरे होते हैं हेलोफाइल्स। हेलो माने सॉल्ट, फाइल्स मतलब लविंग, यानी कि ये किसे पसंद करते हैं? सॉल्टी एरिया में, और हाईली सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। और थर्मो एसिडोफिल्स, थर्म माने टेम्परेचर, एसिडो का मतलब लो पीएच, और फाइल्स का मतलब लविंग, यानी कि ऐसी जगह पर पाए जाएंगे जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, एसिडिक यानी कि लो पीएच होगी, यानी दो पीएच, हाई टेम्परेचर 100 डिग्री 80 डिग्री, हॉट सल्फर स्प्रिंग में जो हिमालय रीजन में पाती है, और जो बैरोफिलिक का मतलब होता है कि जो वेरी डीप में पाए जाते हैं। चले आगे बढ़े भैया। साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स नहीं होते। क्या हो सकता है? याद है गैस वैक्यूल या थायलाकॉइड्स, है ना? मेम्ब्रेन बाउंड दो ही चीज हो सकती है बस। साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव फोटोसिंथेटिक और ऑक्सीजेनिक प्रोकैरियोट्स हैं, अर्थात इनकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर सबसे सिंपल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, लेकिन फिर भी ये बिहेवियर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, उसमें भी फोटोलिथोट्रॉप, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप, कीमो ऑर्गेनोट्रॉप, कीमोलिथोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स में पैरासाइट्स, एप्रोफाइट्स, सिम्बायंट्स हो सकते हैं। इसलिए जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी शो करते हैं वो मोनेरा के ग्रुप के मेंबर्स करते हैं। लिखा हुआ भी है शायद एनसीईआरटी में कि जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी शो करते हैं वो मोनेरन्स होते हैं। आया हुआ भी क्वेश्चन है। एज अ ग्रुप बैक्टीरिया मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी शो करते हैं। सेल मेम्ब्रेन आर्कियोबैक्टीरिया की यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती, क्योंकि उसमें ब्रांच्ड चेन लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि हमारे में लीनियर होते हैं। कुछ बैक्टीरिया की बॉडी में फिलामेंट्स और फिंगर लाइक यानी फंजाई लाइक यानी कि माइसीलियम जैसी बॉडी होती है, इसलिए इनको फिलामेंटस बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज और माइकोबैक्टीरिया कहते हैं, और सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक इन्हीं से प्राप्त होती है शायद, और ये बैक्टीरिया सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। रिकेटेसिया आपके सिलेबस में नहीं है, स्मॉल पैरासाइटिक बैक्टीरिया होता है। सेलवाल जो होती है उसमें माइकोलिक एसिड होता है, इसे भी छोड़ो, उसमें आपके में नहीं आने का। अब आ जाओ किंगडम प्रोटिस्टा पर। किंगडम प्रोटिस्टा जो है, ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, और मोस्टली वो क्या होते हैं? एक्वाटिक, पानी में। किंगडम एक लिंक बनाता है विद द अदर, डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाइन। बाउंड्री जो है इस किंगडम की वो वेल डिफाइंड नहीं है, ये एनसीईआरटी कहती है। बाउंड्री क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंस शो करते हैं, इसलिए एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, इसलिए इसकी बाउंड्री जो है तो वेल डिफाइंड नहीं है। सी क्यूवियर ने नाम दिया था प्रोटिस्टा, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा डेवलप किया हैकल ने, और हैकल ने उन सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रोटिस्टा वर्ड यूज किया जो टिश्यू नहीं बनाते हैं और वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं। प्रोटिस्टा पहली ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इस अर्थ पर इवॉल्व हुए जो यूकैरियोटिक थे, यानी कि ये अर्थ पर पैदा होने वाले सबसे पहले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि इससे पहले जितना भी आप पढ़कर आए हो सारे प्रोकैरियोट्स हैं, और उन प्रोकैरियोट्स में मॉडिफिकेशन से यूकैरियोट्स बने, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म हैं वो है डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ, जो आपको पढ़ने भी हैं। प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली तो हो गई होगा, लेकिन पहली बार आपको कहीं एक क्लियर कट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देगा। इसका मतलब प्रोटिस्टा पहले ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ होगा।
यानी कि इन्होंने अपने अंदर मॉडिफिकेशन करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही बाइनरी फिशन सबसे कॉमन मेथड है, डायनोफ्लैजिलेट में, यूग्लिनॉइड्स में, क्राइसोफाइट्स में आएगा, स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन आपको इससे पहले भी बैक्टीरिया में भी मिल जाएगा, लेकिन यहां पर जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं बेसिकली, जिन्हें स्पोरेंजिया बोलते हैं। आगे तक यूज हो गया स्पोरेंजिया वर्ड, तो स्पोर्स बनाने वाले स्पोरेंजिया, गैमिट्स बनाने वाले गैमिटेंजिया, प्लांट्स में गैमिटेंजिया कहलाता है गैमिट्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, जबकि एनिमल्स में गैमिट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गोनेड। टेस्टिस एंड ओवरीज आर द टू गोनेड्स फाउंड इन द एनिमल्स, लेकिन प्लांट्स में वही गैमिट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर के लिए वर्ड लगाते हैं गैमिटेंजिया, प्लूरल अकेला गैमिटेंजियम। अब स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं और जब वो बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो स्पोरेंजिया रप्चर हो जाती है, फट जाती है और स्पोर्स बाहर निकलते हैं, और सभी स्पोर्स बाहर निकलने के बाद डिस्पर्स हो जाते हैं और हर स्पोर्स जर्मिनेट होकर एक नया मेंबर, नया ऑर्गेनिज्म, नई प्रोजेनी, नया ऑफस्प्रिंग, नई संतान बनाते हैं। स्लाइम मोल्ड्स में आपको स्पोर फॉर्मेशन दिखाई देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले जो दिखाई देता है वो प्रोटिस्टा में दिखाई देता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज विद ईच अदर एंड फॉर्म अ डिप्लॉइड जायगोट, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड सिनगैमी। दो गैमेट्स का बनना और उसके बाद फ्यूज होना, फ्यूज होने को हम बोलते हैं सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी तीन प्रकार की हो सकती है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी में क्या होगा, आइसो माने सेम, एनाइसो मतलब डिफरेंट, कि जब फ्यूज होने वाले गैमेट्स मोर्फोलॉजिकली मतलब शेप एंड साइज में सिमिलर होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली मतलब अंदर से फंक्शनली वो सिमिलर, यानी कि उसे जेनेटिकली भी कह सकते हो आप, फंक्शनली और जेनेटिकली वो सिमिलर और डिससिमिलर होते हैं, क्या कहलाएगा, आइसोगैमस। और जब फ्यूजिंग गैमेट फिजियोलॉजिकली डिससिमिलर होते हैं तब इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी का मतलब एक अंतर आएगा केवल, कि फ्यूजिंग गैमेट्स मोर्फोलॉजिकली यानी कि शेप और साइज में डिससिमिलर और बाकी सारा सेम। पहले में क्या था कि फ्यूज होने वाले गैमेट्स मोर्फोलॉजिकली यानी कि शेप और साइज में सेम, और फिजियोलॉजिकली यानी कि फंक्शनली और जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर और डिससिमिलर। यहां पर पूरा सेम है, अंतर क्या आएगा केवल मोर्फोलॉजिकली डिससिमिलर और बाकी सेम। ऊगैमी सबसे ज्यादा इवॉल्व है, सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। इसका मतलब जब पहली बार किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बना होगा, कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग हुई होगी, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस रहा होगा, क्योंकि वो सबसे प्रिमिटिव है। ऊगैमी सबसे एडवांस्ड है। तो पहले ऊगैमस बना, स्टार्टिंग हुई, फिर उससे और डेवलपमेंट होकर एनाइसोगैमस बना होगा, एनाइसोगैमस में और डेवलपमेंट होकर ऊगैमस बना होगा। किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय आपको ऐसा प्रतीत कभी नहीं होगा कि इवोल्यूशन हमें नहीं पढ़ना। ये क्या है कि पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बना वो आइसोगैमस रहा, फिर उसमें मॉडिफिकेशन से वो क्या बना, फिर उसने और मॉडिफिकेशन से बना ऊगैमस, एक सबसे प्रिमिटिव, एक सबसे एडवांस्ड, क्या होता है ये इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के बिना बायोलॉजी नहीं पढ़ी जा सकती किसी भी चैप्टर में, चाहे आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे आप मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो। तो ऊगैमस हाईली डेवलप्ड फॉर्म होती है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्लेमाइडोमोनास जब एल्गी आप पढ़ोगे तो उसमें तीनों फॉर्म पाई जाती हैं,
अलग अलग स्पीशीज में किसी में आइसोगैमस, किसी में एनाइसोगैमस, किसी में ओगैमस। ओगैमी सबसे डेवलप्ड फॉर्म होती है, एनाइसोगैमस से डेवलप हुई होगी। मेल गैमेट छोटा और एक्टिव होता है और मोटाइल होता है, छोटा एक्टिव और मोटाइल। फीमेल गैमेट लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है और इनएक्टिव होता है। सभी विशेष सेक्स ऑर्गन्स में बनते हैं और फीमेल गैमेट नॉर्मली एग कहलाता है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन विशेष ऑर्गन्स में होता है जिन्हें सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फीमेल गैमेट रिमेन विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज इट डज नॉट कम आउट, मेल गैमेट ही बाहर आएगा, फिर वो बाधाओं को पार करते हुए फीमेल तक पहुंचेगा और उसकी सारी शर्तों को मानते हुए फ्यूज हो जाएगा उससे। कितना तगड़ा काम करना है इसको। पैटर्न लाइफ साइकिल शोइंग जायगोटिक मियोसिस। जब प्रोटिस्ट में, अब देखो बहुत समझने वाली बात है, इसको समझने की कोशिश करना, हटना नहीं कहीं पर भी। बेसिकली तीन प्रकार की लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोइंटिक, डिप्लोइंटिक और हैप्लोडिप्लोइंटिक। नाम खुद बताता होता है क्या कह रहा हूं कि मैं। देखो अब जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी हैप्लॉइड होगी, और प्लांट में हैप्लॉइड के लिए वर्ड लगाते हैं हम गैमेटोफाइट, है जी, और जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिप्लॉइड होगी तो एनिमल प्लांट्स में वर्ड लगाते हैं स्पोरोफाइट। टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, स्पोरोफाइट, और उससे पहले मोस्टली गैमेटोफाइट, सारे नहीं मोस्टली। अब जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, अगर इस हैप्लॉइड से आपको गैमेट बनाना है तो डिवीजन होगा हमेशा माइटोसिस, क्योंकि गैमेट्स तो आंख मीच कर हैप्लॉइड होते हैं, चाहे वो डिप्लॉइड में बने चाहे वो हैप्लॉइड में बने। जायगोट आंख मीच कर डिप्लॉइड होता है, चाहे वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में बने चाहे वो, ये वाली बात आ रही है इसमें कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, आइदर चाहे वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में बने चाहे। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो जब इसमें गैमेट्स बनेंगे, जो कैसे होंगे ऑब्वियसली, तो वो किससे होंगे, ये तो बात क्लियर हो गई ना, तीनों बात समझ में आई कि अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। अब जब गैमेट फ्यूज होंगे, फ्यूजन होगा भैया उसका, तो क्या बनेगा, डिप्लॉइड जायगोट या डिप्लॉइड जायगोट। और अगर इस डिप्लॉइड जायगोट से हमें डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाना है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा इसके, इसमें ये वाली बात भी समझ में आ गई है जी, नहीं आई। अगर अब ये भी तो फ्यूज होंगे, अब इस बेचारे ने थोड़ी कोई गुनाह कर रखा, ये फ्यूज नहीं होंगे, ये भी फ्यूज होंगे, और फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, है भैया क्या बनाएंगे, क्या डिप्लॉइड जायगोट है जी। लेकिन अगर इससे बॉडी बनानी है हमको वापस हैप्लॉइड, ये वाली बात भी समझ में आ गई। तो अब ये कह रहा है कि अगर प्रोटिस्ट कैसा है, हैप्लॉइड, तो मियोसिस उसकी कहां हो रही है, यही जायगोट में, इसने भी ये लिख दिया जायगोट में, और इसे हम क्या बोलते हैं, जायगोटिक मियोसिस, क्योंकि जायगोट में हो रही है। और चूंकि इस स्टेज में, इस टाइप की लाइफ साइकिल में ये अकेला जायगोट, ये जायगोट ही अकेली ऐसी स्टेज होती है जो कैसी होती है भैया, डिप्लॉइड, और बाकी सारी स्टेजेस आपको मोस्टली क्या दिखाई देंगी, सच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लॉइंटिक।
क्योंकि सारी हैप्लॉइड है, यानी कि हैप्लॉइड टाइप की, हैप्लॉइंटिक का मतलब हैप्लॉइड टाइप की, ये वाली बात आ रही है। आगे बढ़ूं, इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय, दीज गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड एंड दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जायगोट। ये वाली बात पूरी समझ में आ गई, देख लो, क्योंकि मिट जाएगा इसको हटाते ही। जो वाटर सरफेस पर पाए जाते हैं, है बैंथिक, BNTHIC, बैंथिक, ठीक है। और ये अपीयर क्या होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, किस पर निर्भर होंगे, जैसा पिगमेंट वैसा उसका रंग। अब बस बात है, डायोफ्लेजिलेट में न्यूट्रिशन होता है होलोफाइटिक, मतलब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, प्लांट लाइक। अब इसके जो एग्जांपल है, कैरेटियम, गोनियोलिक्स, जिम्नोडियम और पायरोसिस्टिस, इनकी जो सेल वॉल होती है वो प्लेट्स में बनी होती है, जो सेलुलोज से बनी होती है, इसलिए इसकी जो कवरिंग होती है डायोफ्लेजिलेट की वो आर्मोर्ड दिखाई देती है, कवच की तरह। आपको दिखाई दे रहा है तो ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्मर्ड एलगी। स्टिफ माने मजबूत, कठोर। डायनोफ्लेजिलेट में दो होते हैं फ्लैजिला, कौन से, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। डायनोफ्लेजिलेट में एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होता है जिसे बोलते हैं रिगलिंग मूवमेंट, इसलिए इनको रिगलिंग विस्प बोलते हैं, लट्टू की तरह। Due to the presence of two flagella at right angle to the each other, dinoflagella show peculiar spinning movement and that why they are called whirling wisps. ऐसा। Cell चूंकि protist में है तो कैसी होगी? Eukaryotic. लेकिन इसमें histone protein absent होती है और जिसके कारण इनकी cells को कभी-कभी mesokaryotic बोलते हैं। क्यों? इसमें एक करैक्टर आपको यूकैरियोटिक का नजर आ रहा है और एक करैक्टर प्रोकैरियोटिक का। प्रोकैरियोट्स का क्या करैक्टर है? हिस्टोन प्रोटीन की एब्सेंस, जबकि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस यूकैरियोट्स का करैक्टर है। देयरफॉर दोनों के बीच के लिए वर्ड लगाते हैं मीसोकैरियोटिक। तो नॉर्मली दो ही प्रकार के सेल थे, लेकिन कभी कभी साइंटिस्ट तीन तरह के सेल कह देते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक। डायनोफ्लैजेलेट्स येलो, ब्राउन और गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं और उनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल्स, डायनोज़ैंथिन और डाइडायनोज़ैंथिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी इसमें से पिगमेंट्स से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस में कौन सा पिगमेंट्स आपको नजर आ रहा है। और स्टोर फूड स्टार्च होता है जैसे प्लांट्स में होता है। रिप्रोडक्शन बेसिकली वो बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होता है, यानी ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। इन ये बेसिकली हैप्लॉइड होंगे, तो मियोसिस कहां होंगी? तो ये रिप्रोड्यूस करेंगे हैप्लोइडिक तो है, मियोसिस तो फिर जायगोट में होनी चाहिए ना। नहीं भाई, गलत, यहां पर क्या आएगा, क्योंकि
ठीक कर लेना इसमें वहां पर भी अपने में कि ये हैप्लॉइड है बेसिकली। तो हैप्लॉइड होने का मतलब जब इनसे गैमिट्स बनेंगे हैप्लॉइड से हैप्लॉइड तो क्या होगा माइटोसिस, और जब गैमिट फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा डिप्लॉइड, और जब डिप्लॉइड जाएगा और से वापस हैप्लॉइड बनाना है तो गैमेटिक, जो मियोसिस कहा होगी जायगोट में तो जायगोटिक मियोसिस। लेकिन नॉक्टुलिका डिप्लॉइड होता है तो इसलिए इसका रिवर्स हो जाएगा, वो डिवाइड होगा किससे, गैमेटिक मियोसिस से। वो है वो गलत लिखा गया भाई, बच्चे तो बना यार, इतने तो गलती चलती यार, वो तो तुमसे भी छोटे हैं तो इतनी तो गलती एक आध तो हो ही जाएगी यार, और फिर वो इस फील्ड के आदमी नहीं। अब डाइनोफ्लैजिलेट बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, और बायो माने क्या होता है लाइफ लिविंग, और ल्यूमिनस बॉडी का मतलब होता है जो लाइट प्रोड्यूसिंग होती है। ये ल्यूमिनस बॉडी है, ये ल्यूमिनस बॉडी है, खराब हो गई ल्यूमिनस बॉडी, चांद ल्यूमिनस बॉडी है, सन ल्यूमिनस बॉडी है, ट्यूबलाइट ल्यूमिनस बॉडी है। तो जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट प्रोड्यूस करता है वो क्या कहलाता है, बायोलुमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म, और उस फिनोमिनॉन को क्या बोलते हैं, बायोलुमिनेसेंस। और उनमें विशेष ग्रेन्यूल्स होते हैं फोटोजेनिक, जब साइटोप्लाज्म में उनका ऑक्सीडेशन होता है तो वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको नाइट लाइट बोलते हैं। अब देखो जी ये कितना खूबसूरत लग रहा है, इस साथ किसके कारण है, इनके कारण है, पानी बिल्कुल कलर्ड लगेगा आपको क्योंकि ये पानी के अंदर है, और पानी में ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइट, तो आपको लगेगा पानी कलरफुल हो गया है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नाइट लाइट। डाइनोफ्लैजिलेट को फायर एल्गी भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लोइंग लाइट की तरह दिखाई देते चमकते हुए, और आग से भी रोशनी निकलती है, इसको ग्लोइंग फायर एल्गी बोलते हैं। गोनियोलेक्स पूरी सरफेस पर फैल जाता है सी वाटर पर रैपिड मल्टीप्लीकेशन से, और वो सारा सारा रेड कलर का दिखाई देता है जैसे दिख रहा है, इसलिए बोलते हैं रेड टाइड। जिम्नोडियम और गोनियोलेक्स और अदर ऑर्गेनिज्म टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, और इनके ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ह्यूमंस में पैरालिसिस करते हैं, और ह्यूमंस आएंगे कहां से टॉक्सिन सब्सटेंस, फूड चैन से। और ये एल्गी अफेक्ट करते हैं मैरीन एनिमल्स को, और मैरीन एनिमल्स को जब खाया जाता है तो वो बॉडी में पहुंच जाते हैं ह्यूमंस में, इसीलिए हम हर बच्चे से कहते हैं कि शाकाहार से अच्छा कुछ नहीं होता। आपने कभी रेयरली सुना होगा कि इस फलाने गेहूं के खाने से फलानी बीमारी फैल गई, चावल खाने से नहीं कुछ फलानी बीमारी फैल गई, मिनीमाटा डिजीज हो गई, मिनीमाटा में जब क्या करावट है, क्यों खाओ और बतेरे प्रोटीन है, दाल का मैंने क्या कही, वो सस्ता बढ़िया टिकाऊ जुगाड़ बता, सस्ता मैं ये नहीं कहा वो बेस्ट है, दालों से अच्छा छोले राजमा दुनिया भर की चीज है, अगर रोज एक चीज बनाओगे ना 15 दिन बाद नंबर आएगा, बहुत सारे आते हैं। तो ये तो आदमी जो खाने लगता है उसको बहाना मिल जाता है जी, बहुत से जो खाने वाले उनका ये तर्क ये होता है कि इसमें सारे अमीनो एसिड नहीं होते वेजिटेरियन डाइट में, मैं भी मानता हूँ नहीं होते, लेकिन जो हम रोज अलग अलग टाइप की दाल खा रहे हैं, रोज राजमा अलग है छोले अलग है, तो वो इसलिए तो खाया जाता है वेरिएशन के तौर पर, वरना रोज एक मसूर की दाल ना खाई जाती, कि जो अमीनो एसिड इसमें नहीं हो किसी और में होंगे, जो किसी और में नहीं हो तीसरी वाली में होंगे। और फिर वैसे भी हमारी बॉडी चीख चीख के कहते हैं कि हम हर्बीवोर हैं, सुना नहीं देता आदमी को, पर क्योंकि जैसे चस्का लग जाता है तो फिर वो सुनता नहीं बातों को, कह सकते हो आप। अब जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल बड़ी होती है और कार्निवोर्स की छोटी होती है, हमारी 10 मीटर बड़ी है, छोटी है बड़ी है, बड़ी है 10 मीटर छोटी हो गए। इसके अलावा हमारे कैनाइन वेस्टिजियल है, सामने वाले दांत इंसाइजर्स उसके बराबर में कैनाइन, और कार्निवोर्स में कैनाइन्स शार्प होते हैं, मजबूत होते हैं और नुकीले होते हैं और बड़े भी होते हैं, हमारे तो वेस्टिजियल है, इसका मतलब क्या है कि ये मीट खाने के लिए नहीं बने। और तीसरा जो आपको खुद महसूस हो जाएगा,
कि कोई भी ऐसा एनिमल जो हर्बीवोर हो और जीभ से पानी पीता हो तो दिखा देना। कोई ऐसा एनिमल जो कार्निवोर हो और जीभ से पानी ना पीकर होंठ से पानी पीता हो तो दिखा देना। कुत्ता, बिल्ली, शेर, जितने भी एनिमल है कार्निवोर, वो सब पानी होंठ से पीते, उससे जीभ से पीते हैं। और काऊ है, बफेलो है, गॉट है, एलिफेंट है, हम है, सब होंठ से पानी पीते हैं। ऐसा कर रहे हैं, टाइम भी ज्यादा लग जाता एक गिलास पानी पीने में। ये वो चीज है जो आप खुद महसूस कर सकते हो। चलो एलिफेंट कह रहा तो बड़ी नहीं दिख रही, कैनाइन भी नजर नहीं आ रही, थोड़े बहुत जी मैं तो काट लूंगा ऐसा करके बाजी बाजी कह दे। हाँ तो ये कैनाइन जो है हमारे तो वेस्टिजियल है, तो यूज ही नहीं होता। यहां से आदमी यहां से काटता है, यहां से चबाता है, कोई ऐसा थोड़ी नहीं करके जो काट रहा था रोटी को। कोई भी चीज खाओ आदमी यहीं से काटेगा, अगर आपने रोल भी बनाया रोटी का या कोई भी कर रहे हो। गन्ना भी चूसता था आदमी यहां से चूसता है, क्यों? क्योंकि ये मजबूत होते हैं, यहां से टूटेगा तो निकल जाएंगे, लेकिन यहां से नहीं करने का है। नहीं बात आगे बढ़े भैया। तो ये एल्गी पैरालिसिस करते हैं और वाटर ब्लूम में भी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिविजन क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स में डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी डेस्माइड्स रखे जाते हैं। फ्रेश वाटर होते हैं डेस्माइड्स और एज वेल एज मैरीन होते हैं डाइएटम्स। स्ट्रक्चर इनकी शेप अलग अलग हो सकती है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर एटसेट्रा। इनकी सेलवाल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहां से वो क्वेश्चन पूछता है बार बार, जहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट बता दी वो वहीं से याद कर लेना कि इनकी सेलवाल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है, जिसमें सिलिका एम्बेडेड रहती है, सिलिका के पार्टिकल्स एम्बेडेड रहते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा टफ हो जाती है। टफनेस के लिए या तो कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता कहीं कहीं पर, या सिलिका यूज होता है मोस्टली। एक्स्ट्रा मजबूती के लिए या तो कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है या सिलिका यूज होता है, और इसके कारण ये सिलिका की बनी महसूस होती है। इसको बोलते हैं शेल और फ्रस्ट्यूल, और ऐसी सेलवाल जिसमें सिलिका प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं शेल और फ्रस्ट्यूल, क्योंकि ये सिंपल सेलवाल नहीं रही, अब इसमें सेलुलोज के साथ साथ सिलिका भी, और ये बहुत ज्यादा मजबूत भी हो गई। अब इसकी जो शेल है वो दो हाफ से बनी होती है, जैसे साबुनदानी। कैसी? साबुनदानी। ढक्कन फिट, ऊपर वाला एपिथीका, नीचे वाला हाइपोथीका। एपी माने ऊपर, हाइपो माने थीका मतलब इसकी जो सेलवाल है उसके लिए वर्ड लगा रहे हैं। अब इनकी जो सेलवाल है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, और हार्ड होने के कारण जब इनकी डेथ होती है तो ये जब नीचे पहुंचते हैं डेथ होने के बाद, तो डीकंपोजर्स इनकी बॉडी के पार्ट को डीकंपोज कर देते हैं, और जो मेन डीकंपोजर है वो क्या होते हैं? फंजाई और बैक्टीरिया। लेकिन चूंकि इनकी सेलवाल में सिलिका प्रेजेंट है तो वो डीकंपोज्ड नहीं होगी, और वो मरने के बाद वो वहीं इकट्ठी हो गए, फिर और मरे, फिर बॉडी आई नीचे डीकंपोज्ड हुए, फिर उनकी सेलवाल उसके ऊपर, फिर उसे लाखों करोड़ों साल से यही चलता आ रहा है कि डीकंपोज होती है उसकी बॉडी, और जो उसकी सेलवाल है वो एज इट इज उसके ऊपर फिट, और इससे वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, बड़े बड़े चट्टाने टाइप की बन जाती है। सब बोलते हैं डाइएटमाइट या डाइएटमस अर्थ और केसलघुर। उनका जो चट्टाने होती है जो किसकी बनी है? सेल वाल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आफ्टर देयर डेथ। अब चूंकि सिलिका है बहुत ज्यादा मजबूत होगा, तो अब पत्थर से, अब ये डायटमस अर्थ जो होते हैं वो बहुत सारे कामों में यूज होते हैं, अभी आएंगे नीचे। पिगमेंट इसमें है क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी और जेंथोफिल। क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी, इंपॉर्टेंट बातें याद रखना।
और चीफ प्रोड्यूसर से ये आया था क्वेश्चन, यही आया एनसीईआरटी में लिख रहा है, दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, लिख रहा है नहीं, यही आया क्वेश्चन। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने का, मैं कुछ भी पढ़ा लूं लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखना वो नहीं छोड़ना है आपको। यही आया था क्वेश्चन कि स्टोर फूड है इसमें ल्यूकोसिन, क्राइसोलेमिनेशन और फैट, उसमें क्या लिख रहा है जी, कुछ भी लिख रहा तो नहीं आएगा। वाटर मूवमेंट, अब ये इमोटाइल होते हैं क्योंकि इनमें नहीं आएगा इसमें, ये इमोटाइल होते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला नहीं होते, और ये पैसिवली फ्लोट करेंगे सरफेस पर, इसका मतलब ये क्या बन गए, प्लैंकटॉन्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपनी स्ट्रक्चर नहीं रखता लेकिन वो वाटर करंट के साथ फ्लोट हो जाता, इधर को गया तो इधर को गया, तो उसे क्या बोलते हैं, प्लैंकटॉन। और जब वो फोटोसिंथेटिक होगा तो फाइटोप्लैंकटॉन, और जब वो नॉन फोटोसिंथेटिक होगा तो वो जूप्लैंकटन। बहुत छोटी चीज है, बच्चे को पता नहीं होती फाइटोप्लैंकटॉन क्या होता है, जूप्लैंकटन क्या होता है, प्लैंकटॉन ही क्या होता है। अब आगे बढ़ो फटाफट। अब डायटम्स में एक विशेष प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जो जाइगोट बनता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सोस्पोर। अब इसमें होता क्या है पहले समझ लो जल्दी से फटाफट, कि इनकी जब बॉडी में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये है एपिथीका, ये वाली है नीचे वाली हाइपोथीका। जब इससे दो सेल बनेंगी तो ये बेटा आवाज आ रही मुझे, अब जो ये एपिथीका है वो तो एपिथीका बनाएगी बनाएगी, लेकिन जो ये हाइपोथीका है ये भी एपिथीका बनाएगी। इसका मतलब कि जब सेल बनेगी उस दो सेल में से एक सेल छोटी हो जाएगी, क्यों, कि जिसका एपिथीका ने एपिथीका ही बनाया तो वो तो सेल नॉर्मल आकार की होगी, लेकिन जिस सेल में हाइपोथीका ने एपिथीका बनाया तो वो उस सेल से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, ऑब्वियस बात है क्योंकि वो छोटी है नीचे वाली। फिर यह दीवार होकर डिवाइड होकर दो बनाएगी, ये भी डिवाइड होकर दो बनाएगी, फिर यही प्रोसेस चलेगा कि जिसकी एपिथीका है वो तो एपिथीका बनाएगी बनाएगी, लेकिन हाइपोथीका वाला फिर एपिथीका बनाएगा। तो हर साइकिल में उसकी जो सलवार है वो छोटी 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 होती चली जाती है। अगर यही चलता रहता क्रम तो एक दिन तो खत्म हो जाती है, लेकिन हुआ नहीं ना ऐसा। क्यों नहीं होता, कि जब एक स्पेसिफिक छोटा साइज ये रिसीव कर लेती है तो उसके बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, और जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है दो सिमिलर आकार की सेल्स बनेंगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें वापस नॉर्मल साइज का सेल बनाने के लिए भी होता है, और वहां पर जो जायगोट बनता है उसे ऑक्सोस्पोर बोलते हैं। डायटम्स का यूज साउंड प्रूफिंग में होता है, लगा दो आवाज बाहर नहीं जाएगी। ऑयल और सिरप्स को फिल्ट्रेट करने में, स्टोन की पॉलिश बनाने में, और ये हीट इंसुलेटर्स बनते हैं बॉयलर्स में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मजबूत होती है तो ईंटों की जगह उसको लगाया जा सकता है जिससे वो खराब नहीं होती है, और ये बैड कंडक्टर होता है हीट का, इसलिए बाहर हीट भी नहीं भेजेगा, बाहर से छू लोगे तो दिक्कत नहीं आनी। आगे बढ़ो। डिवीजन यूग्लिनोफाइटा, जिसे हम क्या बोलते हैं आम भाषा में, यूग्लिनोइड्स, ठीक है, कल देखें क्या रह गया, जो डिस्ट्रक्ट ना हो, कर दे बेटा, डिस्ट्रक्ट माने क्या होता है, नष्ट होना,